यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग, सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो गाइज आज ये लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक तो न्यू केस लॉज जो आईसीआई ने दिए आर फोर न्यू केस लॉज जो आईसीआई ने दिए है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और उसके साथ में कुछ एडेंडम रहेगा कॉम्पैक्ट का तो कॉम्पैक्ट आपके पास में है उस कॉम्पैक्ट में कुछ एडेंडम है जो आपको ये देखना है आप बोलोगे ये फाइल कहाँ पे मिलेगा तो ये फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा

सेक्शन एटी नाइन ए क्या होती है मैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगा एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर और Hari पहले यूएसए में जॉब करता था Hari जो है वो पहले यूएसए में जॉब करता था तो हरी यूएसए में जॉब कर रहा था तो पहले ये बंदा नॉन रेजिडेंट हुआ करता था अर्लियर ही अब क्या हुआ जॉब के बाद में ही गॉट रिटायर और रिटायर होने के बाद इंडिया का वो बंदा रेजिडेंट एंड एंडली रेजिडेंट बन गया और वो इंडिया में आ गया और इंडिया का वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट बन गया तो मुझे एक बात बताइए इफ एनी पर्सन इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है जो पूरे वर्ल्ड की इनकम होती है उस पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है तो अब एक बात समझना होता क्या है यहां पे यूएसए में वो जॉब करता था तो यूएसए से उसको वहां पे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुअटी पेंशन एंड ऑल वो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट उसका हर साल अक्रूवल हो रहा है वहां पे मिस उस कंट्री में एवरी ईयर जो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट मान लो अक्रूवल हो रहा है अब एक बात समझना इंडियन टैक्स लॉ क्या बोलता है कि बहुत बार जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और विच एवर इज अर्लियर तो ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है तो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो इस ईयर में टैक्सेबल होना चाहिए लेकिन हुआ क्या कि वहां के टैक्स लॉ में क्या बोला हुआ है जो कनाडा का टैक्स लॉ है यूएसए का टैक्स लॉ है यूके का टैक्स लॉ है वहां का टैक्स लॉ यह बोलता है कि कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे है ना जो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होंगे वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होंगे Miss, कुछ ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन द अक्रूअल बेसिस दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ओनली ऑन द रिसिप्ट बेसिस मतलब जब आपको रिसिव होगा तभी टैक्सेबल होगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा कैनेडा यूएसए एंड यूके का लॉ बोलता है अब एक बात समझना ये बंदा जो है जिसका नाम था मिस्टर हरी जो पहले यूएसए में जॉब करता था अर्लियर ही वाज नॉन रेजिडेंट नाउ ही बिकेम द रेजिडेंट बट रेजिडेंट बना तो भी यूएसए में उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट एवरी ईयर उसका जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो ये सेक्शन एटी नाइन ये ए ये बोलती है

we are a specified person now question is that what is the meaning of a specified person so a specified person means they have defined here a specified person and a specified account so a specified person means पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु ओपन अड अकाउंट इन द नोटिड कंट्री वाइल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एंड रेजिडेंट इन दैट कंट्री मीनस अभी जो बंदा है वो रेजिडेंट इंडिया का उसने एक स्पेसिफाइड अकाउंट नॉन रेजिडेंट जब वो था मीस किसी और कंट्री का रेजिडेंट था उस कंट्री में उसने जो है वो अकाउंट खोला था दैट इज कॉल योर स्पेसिफाइड अकाउंट करके ठीक है अब स्पेसिफाइड अकाउंट किसको बोलेंगे? तो स्पेसिफाइड अकाउंट स्पेसिड एन अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड नोटिफाइड कंट्री, कंट्री में आपका कनाडा, यूएसए एंड यूके दैट इज कॉल्ड नोटिफाइड कंट्री सो एन अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री बाय द स्पेसिफाइड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इनकम फ्रॉम सच अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल ऑन द

A specified person has an income accrued in the specified account during previous year 21-22 and thereafter, because this amendment is applicable from previous year 21-22. This ye last year, year section IT. Then, at the option of the specified person, us specified can pass my option that such income would be included in the total income of the previous year in which such. इनकम फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड अकाउंट इज टैक्स एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और टैक्सेबल हो रही है ना उसी ईयर में हम इंडिया में भी टैक्सेबल करेंगे अक्रूअल बेसिस पे इंडिया में टैक्सेबल उस रिटायरमेंट वाले अकाउंट पे जो भी इनकम आ रही है वो अक्रूअल वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा इट विल बी टैक्सेबल इन दर इन विच इट इज विद्रॉल और रिडेप ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज फॉर ऑल द स्पेसिफाइड अकाउंट मेंटेन बाई द स्पेसिफाइड पर्सन जो भी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड अकाउंट है उन ऑल अकाउंट पे उसको जो है यह ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना जब ये टैक्सेबल करेंगे विड्रॉल के टाइम पे टैक्सेबल करेंगे करके ठीक है विड्रॉल के टाइम पे या जब पैसा मिलेगा उस टाइम पे टैक्सेबल करेंगे इंडिया में भी लेकिन कौन सी इनकम तो भी टैक्सेबल नहीं करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन वेयर द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज बाय स्पेसिफाइड पर्सन द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल वुड नॉट इंक्लूड द इनकम उसमें से कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे पहला इनकम विच इज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेफाइड पर्सन इन एनी ऑफ द अर्लीयर प्रीवियसूरिंग टैक्स पेड अंडी इनकम है टैक्स भर दिया है क्योंकि देखो ये वाला सेक्शन जो है ये वाला सेक्शन प्रीवियस इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू से आया तो उसके पहले जो भी इनकम अक्रूव हुई होगी वो तो ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा ऑन द अक्रूअल बेसिस तो बेटा उसके जब भी आप रिडम्शन कर रहे हो या जब भी आपको पैसा मिल रहा है तब टैक्स भरने की जरूरत नहीं है और दूसरा दैट इनकम वॉज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी ही नहीं चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए इन द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच सच इनकम अक्रूड ऑन द अकाउंट ऑफ सच स्पेसिफाइड पर्सन बीइंग नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर और द एप्लीकेशन ऑफ डी टी डबल देखो मैंने क्या बोला सिंपल सी चीज है कि अगर वो इनकम जो है वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल आपको नहीं करना है जब आपको रिसीव होगा तब टैक्सेबल करना अगर उस कंट्री का लॉ भी ऐसा बोलता है तो इंडिया में भी आपको ऐसा ही करना है लेकिन बेटा जब रिसीव होगा जब रिडम्शन होगा जब रिडम्शन होगा तब टैक्सेबल होगा बट उसमें कौन सी इनकम को नहीं लेना पहला अगर जिसपे ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स भर दिया है वो या फिर जिस ईयर में वो इनकम अक्रू हुई थी वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं थी बिकॉज इन दैट ईयर सपोज यू वर नॉट नॉन रेजिडेंट आप नॉन रेजिडेंट थे और नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट थे तो वो इनकम ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं थी तो भले रिसीव हो रही है उस टाइम पे इस पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पार्ट अब आप बोलोगे सर वो इनकम फॉरेन में भी टैक्सेबल हो रही है इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है तो उसका क्रेडिट मिलेगा आंसर इज यस उसका क्रेडिट मिलेगा और क्रेडिट आपको कैसे लेना है रूल नंबर 128 के हिसाब से लेना है तो जो रूल 128 है जो आपको एक लास्ट रिवीजन लेक्चर दे रखा है उसमें मैंने रूल 128 बताया था रूल 128 के हिसाब से लेना है नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन ले लिया कि भैया अगर मान लो अभी तो आप रेजिडेंट हो बट आप नॉन रेजिडेंट बन गए वापस तो तो नॉन रेजिडेंट बन गए तो भैया ये ऑप्शन विड्रॉ माना जाएगा और जिस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट बन गए ना उस ईयर से माना जाएगा आपका कोई ऑप्शन नहीं है और नॉन रेजिडेंट बन गए उसके पिछले सालों तक का उसके पिछले सालों तक जिस अक्रूड इनकम आपने टैक्स नहीं भरा उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन बिकम द नॉन रेजिडेंट इन एनी previous प्रीवियस अब एक बात समझना अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो क्या होगा consequences when a specified person becomes a non-resident in the subsequent previous year in case of a specified person after exercising option in any previous year say previous year 22 23 may he exercised the option and became the non-resident during the subsequent previous year suppose in previous year 25 26 he became the non-resident Referred as a relevant previous year, then options exercise above would be deemed to have never been exercised with effect from the relevant previous year. That is from previous year 25-26. Miss 25-26 से आप normal provision की तरह चले जाएंगे करके ठीक है। और बेटा पहले जो tax नहीं लगा उसका क्या होगा? तो जो previous year 22-23 से लेके previous year 24-25 तक के income पे tax नहीं लगा था, वो tax लग जाएगा अभी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है?

After दैट एक पॉइंट नंबर two जो क्लेरिफिकेशन है अब एक बात समझना एक लेसर है और उस लेसर ने क्या किया है पता है जो लेसर है वो आई में लोकेटेड है और लेसर ने लीज किया है एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट लीज किया है अब एक बात बताओ आपको पता है कि अगर कोई आई में लोकेटेड यूनिट है और उसका इनकम जो है आपको यू नो दैट इयर्स तक उसको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन एटी एल ए टेन असेसमेंट तक उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता उसको टेन असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन एटी एल ए तो जब उसको डिडक्शन मिल रहा है तो उस लेसर को अगर कोई भी लेसी है वो लेसर को लेसी जो है वो लीज रेंट देगा तो क्या उस पर टीडीएस काटने की जरूरत है आंसर इज नो देर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस तो ये क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है कि आईएफएससी में लोकेटेड कोई यूनिट है उसने लीज पे क्या दिया है एयरक्राफ्ट दिया है और बेटा वो एटीएलए का बेनिफिट ले रहा है और टेन असेसमेंट ईयर तक उसको टैक्स नहीं भरना है तो उसको जो भी लीज रेंट पे करेंगे उस पर कोई भी टी काटने की जरूरत नहीं है दिस इज वन क्लेरिफिकेशन जो इससे रिलेटेड है उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है डीआरसी से रिलेटेड दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी से रिलेटेड

वो आईसीआई से मैंने लिया था आईसीआई के मॉड्यूल में भी मिस्टेक है यहां पे तो परमवीर चक्र वीर चक्र एंड महावीर चक्र होना चाहिए ऑन द पेज नंबर 94 फोर यहां महावीर चक्र होना चाहिए उसके बाद

ट्रस्ट टॉपिक की बात करूं तो ट्रस्ट में यहां 208 पेज रहेगा उसमें जो ये थ्री इयर्स लिखा हुआ है ना दैट इज लिखा हुआ है उसके आगे थ्री प्रीवियस ईयर कौन से वाले लेंगे तो असेसमेंट ईयर 23 24 से लेकर 25 26 एंड लास्ट लाइन में यहाँ पे पास एंड ऑर्डर लिखा हुआ है एंड ए एंड डी वो ए एंड डी नहीं होना चाहिए एन होना चाहिए तो ये एन एक बार आप कर लीजिए छोटा सा करेक्शन है ठीक है उसके बाद कुछ केस लॉस दे रखे अभी थोड़ी देर बाद अपन करते हैं उसके बाद मैं आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं एंड आई वॉन्ट्स टू रिजोल्व दैट डाउट्स करके ठीक है

115 BBI में जाना थर्टी परसेंट की रेट से तो आप अपना कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर वन है उसको इग्नोर कर दीजिए उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें ये नहीं किया है क्योंकि आपने अगर कॉर्पस डोनेशन नॉट डिपोजिटेड इन इलेवन फाइव ना देन इट शुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन बीबीआई रेट थर्टी परसेंट सेकेंड क्लेरिफिकेशन कि अगर आपने कोई एक्मिलट करते हो वो यू नो दट मैक्म फाइव इलामिलेट अंडर सेक्शन इलेवन टू शुड बी डिपॉजिटेड इन इलेवन फाइव अगर आपने इलेवन फाइव में जमा नहीं कराया तो वो वाला अमाउंट पे भी आपको बीबीआई में टैक्स लग जाएगा एट द रेट थर्टी परसेंट तो आपको एक कॉम्पैक्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कॉम्पैक्ट वाली बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैंने ये बताया था कि फिफ्टीन लैक का आपने सेट अपार्ट किया सेट असाइड किया एंड आउट ऑफ दैट ओनली थ्री लैक इज डिपोजिटेड इन इलेवन सो ट्वेल्व लैक शुड भी टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट ट्वेल्व है वो आपका थर्टी

यू नो दैट एक्सप्लेनेशन दे है सेक्शन इलेवन वन में एक आउटस्टैंडिंग वाला ऑप्शन है इन द नेक्स्ट ईयर इन करेंट इयर इट विलीम्ड एप्लीकेशन और सपोज इफ एनी अमाउंट इज नॉट other reason then also you can give one यू कैन गिव डिक्लेरेशन टू that ऑफिसर दैट दैट वी विल अपलाइड इन दर इन विच इट इज लाइक इन द next year then you know that that two option was there so question यहाँ पे ये आता है कि sir nowadays application जो है वो सिर्फ actual payment basis पे allow होगा तो भी क्या ये दो option अभी भी चलेंगे या नहीं चलेंगे right answer is चलेंगे आप ये नहीं बोल सकते ये तो contradiction है उधर तो बोल रहे हैं कि actual payment basis पे application लेंगे but यहाँ पे बोला हुआ है ये option ले सकते हैं answer is yes ये option still this both option are available

एमसीक्यू मैंने बुकलेट दिया है ना वो एमसीक्यू वाले बुकलेट में क्वेश्चन नंबर इलेवन है टेस्ट सीरीज नंबर सेवन का क्योंकि मैंने एमसीक्यू बुकलेट जो है हमारे कॉम्पैक्ट के साथ में उसमें अलग अलग टेस्ट सीरीज दे रखी है तो उसमें जो सीरीज नंबर सेवन है उसका एमसीक्यू नंबर इलेवन है उसमें हमने वहां पे फिफ्टीन परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज लिया है वहां पे आपको पूरे पे 15 परसेंट सरचार्ज लेना पड़ेगा मीनस वहां पे हर जगह आई थिंक 25 फाइव परसेंट सरचार्ज लिया है बट यू हैव टू द 15 सरचार्ज फॉर होल टैक्स बिकॉज वहां है और अभी क्या होगा ना एल टी सी जी वन वन टू पर भी आपको मैक्सिमम 15 परसेंट ही सरचार्ज लगेगा और जो अदर इनकम है वो टू करोड़ से ज्यादा नहीं है तो अदर इनकम के टैक्स पे भी फिफ्टीन की रेट से सरचार्ज लगेगा एक और अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो एमसीक्यू की बुकलेट में एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो एमसी MC...

एंड रविश हज नॉट फाइल द रिटर्न फॉर द असमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंडमेंट एयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वॉट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्स बाय के बैंक ऑन सच विद्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस टू ट्वेंटी थ्री अब इसको लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट है

ऐसा हमने इंटरप्रेट किया है तो लॉ क्या बोलता है एक बार मैं आपको बता देता हूं तो चलिए आ जाइए एक बार आप लॉ पे और लॉ देखिए क्या बोलता है लॉ बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द रेसिपिएंट हु हैज नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द थ्री असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द 3 प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच द टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 1 हैज एक्सपायर्ड

तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1920 एंड प्रीवियस ईयर 2021 मैं बोला प्रीवियस ईयर 2022 नहीं देखना क्योंकि 22, 21-22 का रिटर्न फाइलिंग डेट विल बी टू थाउजेंड जुलाई 2022 और 31 अक्टूबर 2022 ये तीन प्रीवियस ईयर देखने हैं मैंने इस लैंग्वेज को ऐसे इंटरप्रेट किया एज वेल एज आप देखोगे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरप्रेट इन दिस वे हम बोलते हैं कि यहां पे देखिए क्या दे रखा है

जिस प्रीवियस ईयर मीन ये लास्ट के थ्री प्रीवियस ईयर को बता रहे यहां पर इमिडियटली प्रिडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट इज मेड ये किसके लिए है पता है इन थ्री प्रीवियस ईयर के लिए कि जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया उसके पिछले थ्री प्रीवियस है, जो है उसकी की आपने जो अभी तक पढ़ा उसको आप इग्नोर कर लीजिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि जिस प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर की फर्स्ट अप्रैल टू टू से पहले

जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो जिस दिन बैंक से आप कैश विद्रॉ कर रहे हो उस दिन बैंक विल चेक दैट के, के कौन से ऐसे थ्री प्रीवियस ईयर थे जिसका रिटर्न फाइलिंग का जा चुका है तो यहां पे का कहना यह है कि एक बात बताओ सबसे पहला कैश विद्रॉ हुआ ट्वेंटी सेवन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को तो इस डेट को तो सिक्सटीन लैक का कैश विदड्रॉ किया तो ऐसे भी टीडीएस नहीं आएगा नो टीडीएस नो टीडीएस अब एक बात समझना सेकेंड कैश विड्रॉ हुआ 55 लाख का 7 सितंबर 2022 और यहां पे अगर आप ये मानते हो कि उस पर्सन का लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट है जो प्रीवियस ईयर 2122 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट थर्टी जुलाई 2022 था

अब एक बात बताओ आप मुझे बोलोगे और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई सीधी सी बात बात है एक पर्सन का डेट जा चुका फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू था तो आप एक काम करिए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू था तो यहां पर इनका व्यू आता चलिए एक काम करिए यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा

उ सर आपका डाउट ये रहेगा कि व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जामिनेशन अगर एग्जामिनेशन में हमको क्या करना है वो बता दीजिए तो मैं आपको सिंपल लाइन में बोल रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में आप एक बार आईसीए के साथ में जाएंगे यहां पे बिकॉज लैंग्वेज को लेकर इंटरप्रिटेशन इश्यूज है आपको ये देखना है जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन लास्ट के थ्री प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है या नहीं जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन लास्ट के कौन से थ्री प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का डेट जा चुका और उन थ्री ईयर्स का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में उस ईयर का का उन का आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर ईयर में ट्वेंटी है टू रेट से और वन करोड़ के ऊपर वाले फाइव परसेंट की रेट से टीडीएस काटना है तो वॉट यू समझना लॉजिकली तो क्या होना चाहिए अगर मान लो मैं आईसीआई वाला इंटरप्रिटेशन भी ले लू तो होना क्या चाहिए इस डेट को मीन अगर मान लो यहां पहला वाला पेमेंट है उस डेट को ऑब्वियसली टीडीएस no नहीं आएगा दूसरा वाला है, अगर लो यहां पे उस परसन का जुलाई है, तो इसके तो 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 इस लिए आपको फिर लास्ट के थ्री प्रीवियस ईयर वो देखने पड़ेंगे जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है तो इस पेमेंट के लिए आपको कौन से थ्री प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे

लास्ट के कौन से ऐसे तीन प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है लास्ट के ऐसे कौन से तीन प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है लास्ट के ऐसे कौन से तीन प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है और उसका रिटर्न फाइल आपने नहीं किया तो उस डेट को फिर आपको जो है वो टू परसेंट की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा ट्वेंटी लाख के ऊपर और अगर वन करोड़ के ऊपर हुआ तो फाइव लाख की फाइव परसेंट की रेट से ठीक है चलो सो दिस वॉज वन क्लेरिफिकेशन ऑन दिस पार्ट उसके बाद में आपको मैं एक बात बताऊं कुछ केस लॉज है नॉट मोर इंपॉर्टेंट केस लॉज बट यस केस लॉज है सबसे पहला केस लॉ

जो लेने वाला है उसके लिए वो वायलेशन है किसी लॉ का रूल्स का गाइडलाइंस का तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए इल्लीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये आपको नहीं होगा. यही जजमेंट दिया था और फिर में भी तो कर लिया है चलिए क्वेश्चन नंबर टू ये आता है दट इज द न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और इस केस में क्या हुआ वो मैं आपको बता दू देखिए

द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस इंसिडेंटल टू एजुकेशनल एक्टिविटी एंड नॉट एनी अदर एक्टिविटी ओके बेसिकली सिंपल वर्ड बता दू यहां हो गया है यहां पर बोला कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो टेन ट्वेंटी में रजिस्टर्ड है तो क्या वो सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटी क्योंकि उस लॉ में क्या बोला हुआ सेक्शन में क्या बोला हुआ दैट एजुकेशनल दैट इंस्टीट्यूशन शुड भी होल्ली फॉर द एजुकेशनल पर्पज और मेडिकल पर्पज अब एक बात बताओ क्या उसका काम सिर्फ एजुकेशन ही होना चाहिए

और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना कह, कहने का मतलब यह है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है ना वो सोल्ली एजुकेशनल पर्पज के लिए होनी चाहिए सोल्ली एजुकेशनल पर्पज के लिए होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि भैया बाकी और कुछ काम नहीं होना चाहिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होनी चाहिए

तो चलेगा बट उसके अलावा जो है अगर मान लो आप भाड़े पे वगैरह कुछ दे रहे हो हॉल वगैरह तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एजुकेशनल एक्टिविटी तो देखिए इसी को लेके एनालिसिस और डिसीजन में क्या बोला यहां पे 1023 सी के लिए जजमेंट है बट ऑब्वियसली 11 12 जैसा ही है 1023 सी आप ऐसा समझ के और इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट बोलती है the requirement of charitable institutions or society or trust etc etc solely engage itself in the education and educational activities and not engage in any activity of the profit means that such institution cannot have the object which are unrelated to the education means only their object should be related to education and in other words all object must relate to imparting education and in be, be in relation to the educational activities only टर्म सोनली इज नॉट द सेम एज मेनली ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मेनली होना चाहिए बाकी सब काम भी कर सकते हैं नहीं इट मीन सोनली मींस टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स ऑल अदर ऑब्जेक्टिव को एक्सक्लूड कर दीजिए एजुकेशन ही होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड हो सकता है ठीक है आगे दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन अपियर्स टू बी प्रॉफिट ओरिएटेड

बट वो एजुकेशन का काम कर रहे हैं इंपार्टिंग एजुकेशन और उससे इंसिडेंटल अगर कोई भी इनकम हो जाती है तो चलेगा ऐसे अपन ने दो केस लॉज भी पढ़े थे ट्रस्ट टॉपिक में करके ठीक है एक क्विंस सोसाइटी वाला केस लॉ था उसमें भी तो यही था कि अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है और आपको इंसिडेंटल अगर कोई इनकम हो जाती है तो उस पर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पार्ट सेवेंोवाइजो टू सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी एज वेल एज इलेवन फोर ए में क्या बोला हुआ है एक्टिविटी कनेक्टेड टू द एजुकेशन है तो भैया कनेक्टेड टू एजुकेशन एक्टिविटी से जो इनकम हो रही है उस पर भी आपको एग्जामेशन मिल जाएगी द रेफरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफिट इन द सेवन प्रोवाइज टू टेन ट्वेंटी थ्री सी और इलेवन फोर ए मीयरली मीन दट द प्रोफिट ऑफ business which are incidental to education activity. रिलेटिंग टू द एजुकेशन सच एज सेल ऑफ टेक्स बुक अगर टेस्ट बुक सेल किया वो चलेगा, वो चलेगा रिलेटेड है या प्रोवाइडिंग स्कूल बस फैसिलिटी है वो उससे रिलेटेड है या हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया वो एजुकेशन से रिलेटेड है वो चलेगा वो चलेगा लेकिन हाउ एवर वेयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड देयर और इंफ्रास्ट्रक्चर टू अदर एंटिटीज ट्रस्ट सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग वर्कशॉप करने के लिए किसी को भाड़े पे दे दिया सेमिनार करने के लिए भाड़े पे दे दिया और इवन एजुकेशनल कोर्सेज विच आर कंसर्न ट्रस्ट इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट कोई और बंदा आके कुछ और ही करा रहा है आप तो भाड़े पे दिया है करके एंड आउटसाइडर आर परमिटेड टू एनरोल इन सच सेमिनार वर्कशॉप कोर्सेज एटसेट्रा देन द इनकम डिराइव फ्रॉम सच एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरेक्टराइज एज पार्ट ऑफ एजुकेशनल एंड इंसिडेंटल टू इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऐसा नहीं माना जाएगा यू गॉट माय पॉइंट ऑन नॉट यस तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो कौन सी एक्टिविटी कर सकती है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेगी और उससे अगर कोई भी प्रॉफिट डिराइव हुआ उस पर एक्जन मिल जाएगी बट अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है करके ठीक है जैसे किसी को भाड़े पे देना वगैरह तो उसपे एक्जन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा चलिए उसके बाद में तीसरा केस लो ये बोलता है इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेन एन एक्टिविटी कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस फॉर अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइस टू सेक्शन टू फिफ्टी ऑब्जेक्टिव इज फॉर एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी अब एक बात समझना इस केस केसलो में क्या हुआ क्या आपको पता है अगर कोई भी ट्रस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी देन देयर बिजनेस रिसिट कैन नॉट बी मोर देन द्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिट इफ इट इज मोर दे ग्रॉस रिसर्ट देट ट्रस्ट विल नॉट भी ट्रीटेड एज चैरिटेबल ट्रस्ट वो चैरिटेबल ट्रस्ट माना ही नहीं जाएगा तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन में यही दे रखा है कि वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा मतलब असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें आप कोई कंसिडरेशन वगैरह ले रहे हो ऑब्वियसली जैसे आप किसी को पानी बेच रहे हो या कुछ बेचने का काम कर रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो और वो एजुकेशन नहीं है ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वो कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं दैट असेसिंग ऑफिसर विल चेक एवरी ईयर एंड ऑन डिपेंड्स बेसिस ऑफ दैट ही विल चेक दैट कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट

The Assessee applied for waiver under Section 220, Subsection 2A, on the ground that dispute was pending for resolution under the mutual agreement procedure under the DTAA between India and USA, which subsequently culminated in the year 2012, and the liability to pay the tax arose thereafter. The CIT, however, rejected the Assessee's application. The same was confirmed by the High Court. Now, understand, the happened? कि यहाँ पे अगर जेनुअन हार्डशिप होती है तो ये इंटरेस्ट माफ किया जा सकता है अब ये बोल इन्होंने इंटरेस्ट माफ करने के लिए एप्लीकेशन डाली इनकी जेनुअन हार्डशिप नहीं है ये बहुत पैसे वाले लोग है करिए ठीक है ये यूएसए की कंपनी है बहुत पैसे वाले लोग है और इनके पास जेनुअन हार्डशिप नहीं है बट ये क्या बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट वेव कर दो ना क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा इशू पेंडिंग है मैप में मैप का मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर जब इंडिया की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूएसए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को साथ में मिलकर और आपको कोई सोल्यूशन देंगी दैट इज कॉल्ड मैप और वहां पर आपका केस पेंडिंग है इसकी वजह से ये बोलते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना और उसका फिर जजमेंट आया और उसकी वजह से टैक्स भरना पड़ा बट वो बोलते हैं कि उसकी वजह से प्लीज हमारा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो ना क्या ये वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला देखिए The Supreme Court observed that merely raising the dispute before the any authority cannot be ground not to levy interest and waive the interest under Section 220, Subsection 2A.

जो अभी इसी साल आए है करके। अब एक चीज समझना, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है डीआरसी से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी से मुझे लगता कभी हो सकता, exam, आ जाए। तो डीआरसी टॉपिक क्या होता है डीआरसी कॉन्स्टिट्यूट होगा डिस्प्यूट रिजोल्यून कमेटी में आप जा सकते हो अगर आप ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हो आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको पेनल्टी जो लगने वाली है उसको रिड्यूस कराने के लिए या जो प्रोजिक्यूशन आपको होने वाला है जेल वगैरह होने वाली है उसको रिड्यूस कराने के लिए तो पेनल्टी प्रोजिक्यूशन को रिड्यूस कराने के लिए यू कैन अप्लाई टू द डीआरसी लेकिन डीआरसी में आप तभी जा सकते हैं जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर में वेरिएशन आपका जो हो रहा है वो अप टू टेन लैख होना चाहिए मतलब आपका वेरिएशन में इनकम जो बढ़ाई जा रही है दैट शुड बी अप टू का वेरिएशन होना चाहिए दूसरी चीज आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो रिटर्न फाइल किया था उसमें आपकी रिटर्न इनकम 50 लाख ,00 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दैट शुड बी अप टू 50 लाख ,00 एंड जो ऑर्डर पास कर रहा है एओ वो ऑर्डर पास कर रहा है वो आपका सर्च इनिशिएटेड हुआ था उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए सर्वे के बेसिस पे नहीं होना चाहिए रिक्विजिशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए या किसी फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिली थी वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए तो देखिए मैंने क्या बोला आप जा सकते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ द एओ देन यू कैन मेक एप्लीकेशन टू द डीआरसी आप डीआरसी के पास जा सकते हैं लेकिन तभी जा सकते हैं जब वो ऑर्डर है उसमें वेरिएशन जो हुआ है वो टेन लैक से ज्यादा नहीं आपका रिटर्न इनकम है वो फिफ्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन वो ऑर्डर है वो रेड की वजह से सर्च या सर्वे की वजह से या रिक्विजिशन की वजह से या फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिला था उसके बेस पे वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आप जा सकते हैं कहां पे उस केस में आप के पास में जा सकते हैं अब एक बात समझना डीआरसी के पास में कौन कौन से ऑर्डर है वो जा सकते हैं या तो ड्राफ्ट ऑर्डर 144C सी में जो डीआरपी सॉरी डीआरसी के पास में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के केस में आप कौन कौन से ऑर्डर के केस में जा सकते हैं जो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर है जो वेरिएशन किया था वन सी में जो डीआरपी जो है वो डीआरपी में नहीं गए उससे पहले जो होता है ड्राफ्ट ऑर्डर वो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं या कोई इंटीमेशन के अगेंस्ट में जा सकते हैं कोई भी असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं बट डीआरपी के डायरेक्शन की वजह से कोई ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते डीआरसी के पास में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के केस में जा सकते हैं इसके केस में जा सकते हैं बट उसके बाद में इन्होंने बहुत सारा एक लिस्ट दे रखा है क्या इनके केसेस में नहीं जा सकते द फॉलोइंग पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द रेजोल्यूशन ये लोग नहीं जा सकते डीआरसी के पास में कौन कौन नहीं जा सकता अगर किसी ने अगर ये वाला जो लॉ है इसका कॉन्ट्रावेंशन किया था म द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन सेलिक्यूशन इनिशिये का मतलब होता है जेल जेल ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है तो आप डीआरसी के पास में नहीं जा सकते डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास में नहीं जा सकते अब एक बात समझना उसी बेस पर मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया है जो नो डाउट आईसीआई का क्वेश्चन है एज इट इज मैंने आईसीआई का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है तो देखिए विजय फर्नेश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द अट्वेंटी का ऑन ट्वेंटी थ्री को एनहांसिंग दिन का वेरिएशन हुआ रिटर्न फाइल किया था उसका इनकम जो था वो अपू फिफ्टी लैख इजी एट लैक अग्रीव बाई दिजायर टू नो can file the application before द dispute resolution committee or not. and he inform you that no order of detention has been made or no prosecution proceeding have been initiated or instituted against him under any law for the time being in force. however penalty has been levied on him for the failure to comply the section 269 ss. उसने 269 ss को follow नहीं किया था तो उसपे एक penalty लगी है बाकी उसका कोई prosecution वगैरह नहीं है. तो क्या वो जा सकता है DRC के पास में नहीं, या नहीं? Answer is yes. कैसे जा सकता है? क्योंकि पहली चीज़ ये order specified order है. उसमें variation 10 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ है. इसका जो इनकम है वो ट्वेंटी एट फिफ्टी लाख से ज्यादा नहीं था रिटर्न इनकम तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीआरसी के पास में जा सकता है तो द टाइम लिमिट टू डीआरसी अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड ही इज ऑल्सो कीन टू नो वेदर इनकेस इज अग्रीव बाई दर पास बाय द डीआरसी कैन ई फाइल अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ डीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट yes. में वो अपील में जा सकता है या

दूसरा क्वेश्चन पूछा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द द अंडर विद कंट्री कंट्री एक्स एक्स अगर से DTAA के अंदर इनफॉर्मेशन मिली थी तो उसकी वजह से वेरिएशन हुआ तो तो वो डी आर सी के पास में नहीं जा सकता तो देखिए आंसर क्या है डी आरसी वुड रिजोल्व डिस्प्यूट इन केस ऑफ पर्सन हु ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर सो सो एंड चैप्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर इन केस हु फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशन स्पेसिफाइड ऑर्डर इंक्लूड द असेसमेंट Order under section 143.3, where the aggregate sum of variation made by such order does not exceed the 10 lakh. And total income as per the return furnished by the

no order of detention being made or no prosecution proceeding being initiated or instituted against him non levy of penalty under income tax act is not a specified condition

एक महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो इसको जो स्पेसिफाइड ऑर्डर है वो कौन सी डेट को मिला था 26 नवंबर 2023 को मिला था तो वहां से एक साल के अंदर अंदर एक सेकेंड है ऑर्डर नहीं दे रखा क्या 26 नवंबर होना चाहिए ना

सो गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कोरिजंडम और कुछ क्लेरिफिकेशन जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे वो आज अपन ने क्लियर किए करके ठीक है और जो न्यू केस लॉस थे देर आर फोर न्यू केस लॉस जो मैंने दे रखे हैं और ये वाला फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए आपको ये वाला फाइल मिल जाएगा और ये जो क्लेरिफिकेशन है ये उसमें नहीं रहेंगे सो यू कैन नोट डाउन आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं करके ठीक है चलिए थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड और बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आ ना आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा करके ठीक है जस्ट यू हैव टू फोकस टू योर स्टडी एंड गिव your हंड्रेड परसेंट you और अभी ढंग से पढ़ाई कर ली ना वही काम आने वाला है पहले क्या किया था साल भर पहले कोई मतलब नहीं वो हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको चीजें याद नहीं आएगी तो आप रिवाइज करिए मैं आपके साथ हूँ मैं आपके डाउट वगैरह भी ले रहा हूँ आजकल व्हाट्सएप ठीक है व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है तो मैं डाउट वगैरह ले रहा हूँ दिन में तीन घंटे है वो सिर्फ डाउट पर दे रहा हूँ दिन में इतने सारे मैसेज होते हैं ना और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब डाउट सॉल्व करूँ टिल योर एग्जामिनेशन आप टेंशन मत लीजिए मैं हूँ आपके साथ में बस आपको अपना साथ अब देना है और मैं बता दूँ इस दुनिया में ऐसा है ना कि भैया आप जो है वो लास्ट में जब अभी यही वाला पॉइंट होता है कि जहाँ पे बड़ा क्रूशियल टाइम है और इस टाइम को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है थोड़ा और पोष करिए अपने आप को टाइम है जितना आप पढ़ रहे हो इफेक्टिव स्टडी आर्ट्स है उसको आप बढ़ाइए थोड़ा और जो आपके टारगेट्स है उसको कंप्लीट करिए और टारगेट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सेलिब्रेट भी करिए उसको कि येस टूडे आई डिड इट करके ठीक है और मैं बता दूं अभी एग्जाम टाइम तक आपको अपना हेल्थ है उसका पूरा ध्यान रखना है आपके इमोशन का पूरा ध्यान रखना है बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर एग्जाम आया मैं बीमार पड़ गया ये हो गया वो हो गया कोविड हो गया कुछ नहीं होने वाला आप अपने आप को भी कॉन्फिडेंट रखिए लाइक कॉन्फिडेंट ठीक है अगर आप ऐसा अपने आप को ऐसे बीमार समझेंगे ना तो बीमार पड़ जाओगे नेवर डू दैट ठीक है बिकॉज आपकी बॉडी वैसी रिएक्ट करती है जैसा आप सोचते हो सो so ऑलवेज अपनी सोच को थोड़ा पावरफुल रखिए पॉजिटिव रखिए थोड़ी एनर्जेटिक सोच रखिए और जब आप एनर्जेटिक सोच रखेंगे तो सब चीजें आराम से हो जाएगी ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर दैटेड फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय ठीक है